हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेज मसाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बंडा की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, इसे घिया भी कहते हैं। और एक आता है, इसे छोटा छोटा होता है, उसको हम अरबी कहते हैं। तो लेकिन ये अरबी नहीं है, ये उसी की वैरायटी है, लेकिन इसको हम बंडा कहते हैं। तो इसकी सब्ज़ी हम बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा अंत तक। सब्जी को अच्छे से छील लेते हैं और इसमें और सब्जियां जो हम डालेंगे उसको हम यहाँ साफ करके रख लिए हैं। तो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और ये हरा धनिया है, इनको हम रख लिए हैं। तो अभी इन्हें हम धुल के काटेंगे। तो पहले हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो आज इसको काटने का एक तरीका बताते हैं दोस्तों। तो पहले हम इस तरह से पीस में काट लेंगे इसे। इस तरह से काट लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, चाकू से इस तरह से इसमें पहले हम अंदर तक इस तरह से इसमें हम गोद लेंगे। इस तरह से हम इसको गोद लेंगे। इसके बाद इसे हम और छोटे टुकड़ों में भी काट लेंगे। आप चाहे तो इसमें से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लें। इसी तरह से सभी को पहले हम चाकू सहायता से इसमें हम अंदर तक चाकू चुभा लेते हैं और फिर इसके हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। आपको जितने बड़े पीस पसंद है आप उतने बड़े पीस रहने दीजिए। तो लेकिन मैं इसे फिलहाल इतने छोटे छोटे पीस में काट देती हूँ। तो इस तरह से हम सभी बंडे को सब्जियों को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसमें चाकू की सहायता से जो हम छेद बना लिए हैं इसमें सब में। तो अब हम चलते हैं इसको धुलने के लिए। तो इसे अब हम धुल के सब्जियों को साफ कर लेते हैं। तो हम कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालेंगे, सरसों का तेल है। तो इसमें हम सभी बंडा को पहले फ्राई करेंगे। तो इसे पहले तेल में हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका कलर अब चेंज हो गया है और ये अंदर से पक गया है। तो अब इसे अब हम तेल से अलग कर लेंगे। इस तरह से तोड़ के इसको देख लेंगे, ये टूट जा रहा है बड़े आसानी से। तो ये अंदर से पक गए हैं। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेते हैं। ये देखिए, फ्राई करने पर ऐसा कलर आ रहा है और ये अच्छे से अंदर से पक गए और आसानी से टूट जा रहे हैं। जब ये कच्चा थे तो इसका कलर बिल्कुल ऐसा था और पक जाने पर इस तरह का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब हम इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में हम ये एक चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं और इसी में हमने गरम मसाला भी मिक्स किए हुए हैं, तो ये ले लेते हैं। इसके बाद इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर और ये एक चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो इसमें हम पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो प्याज थोड़ा ब्राउन हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। तो बराबर चलाते हुए इसको हम भून लेते हैं। तो अदरक लहसुन भून गया है तो इसमें अब हम डाल देंगे मसाला।
और फिर इसे ढक कर हम पका लेंगे अच्छे से मसाले को। अभी इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। मसाला भून गया है तो इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और इसमें साथ में ही हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। इसे मसाला और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और इसे अब हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। टमाटर भी लगभग पक गया है तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए बंडा डाल देंगे। तो ये हमने जो घिया को फ्राई किए थे ये इसको हम इसमें डाल देते हैं। और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मसाले में भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए, लेकिन पानी डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको जितना भी ग्रेवी पसंद है उससे आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए, क्योंकि ये जो है पानी एब्जर्व करता है तो ये बहुत जल्दी पानी को सोख लेगा और बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा सब्जी। तो आपको पतला अगर पसंद है तो आप जिसको जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डाल दें। तो अभी इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं। तो ये हमने अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं। तो अब इसे हम ढक देते हैं और इसे 3-4 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद हम इसे उतार लेंगे आंच से। तो ये लगभग 5 मिनट हो गए हैं। तो ये सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। और दोस्तों अब हम आँच का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।